हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में शादी है छोटी बहन की, और मैंने भी ये देखिए गाइस, मैंने भी मेहंदी लगाई है। काजल तो मेहंदी लगाई थी, आपने देखा था। अब मेन काम है उसको छुड़ाना, तो वो खड़ी होकर छुड़ा रहे। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज ये इस तरीके से दिख रही है, लेकिन कल कुछ और तरीके से दिखेगी। मीन्स क्या, उसकी शादी हो जाएगी। तो मैं तो आ गई, क्योंकि मैं रात में चली गई थी अपने ससुराल। मेरा ससुराल बगल में ही है फैजाबाद में, तो मैं वहाँ गई थी। और अभी हो रहे हैं सुबह के साथ, तो मैं नहाकर एकदम अच्छे से तैयार, मतलब नहाकर आ गई हूँ। और मैं तैयार होंगी वहाँ पर होटल में, जो कि जहाँ शादी होनी है। अभी मैं आई हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ, जो हमारे घर पे धान था उसको भुजवाना था, तो उसको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि रात के पूजा में चाहिए। उसके बाद हम लोग को बांस की लकड़ी चाहिए पतली सी, तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, और मिट्टी। तो यहाँ पे सारे जो भी जेठानी के बच्चे हैं सारे लगे हुए हैं। सो एक तो गया है, मिट्टी गया है लेके आएगा तो मुझे देगा, तो फिर मैं उसको ले जाऊँगी। पता नहीं, पंडित जी ने बोला है उसका कहीं यूज़ है, क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। तो चलिए, इसके बाद की अपडेट मैं थोड़ी देर में देती हूँ आपको। गाइस, आज का दिन बहुत बहुत बिजी है और मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोगों ने पास की लकड़ी भी ले ली है और मिट्टी भी लेके आ रहे हैं भैया, तो उसको लेंगे और वो सारा काम भी जेठानी जी करवा देंगी, तो वो छोटा बेटा उनका लेके आएगा, हमें दे देगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। गाइस, आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? अब आप बिलीव नहीं करोगे, शादी में इतनी ज़्यादा मैं व्यस्त हूँ कि मैंने थ्रेडिंग तक नहीं करवाई। तो मैंने सोचा चल के अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालूं, थ्रेडिंग बना के तुरंत मुझे पहुंचना है कलावती होटल, और वहाँ का पूरा अरेंजमेंट देखना है। मैं फटाक से जाती हूँ, और थोड़ी सी वैसे नहीं दिख रही, थोड़ा तैयार वगैरह नहीं हुई हूँ, तो थ्रेडिंग बनवा के मैं आपको मिलती हूँ। तो इस समय मैं पहुंच गई हूँ भाभी के पार्लर में। भाभी का पार्लर है, का नाम जो है श्रृंगार है। सो इधर जो है ना, फास्ट वाला काम हो तो भाभी के यहाँ आ जाओ, जल्दी से हो जाएगा। सो अभी भाभी जा रही है थ्रेडिंग बनाने के पार्लर में। सो पार्लर से मैं निकल चुकी हूँ, मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है और मैं जा रही हूँ अभी। घर पर बहुत सारा काम है, काजल फ़ोन की थी, तो चल के देखती हूँ क्या काम है। और मुश्किल से मुझे हार्डली 5 to 7 मिनट लगा, उससे ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा। सो चलती हूँ, देखती हूँ घर पे क्या मेरी ज़रूरत कौन सी है। हेलो गाइस, तो मैं पहुँच गई हूँ लॉन, और यहाँ पे हल्दी की तैयारी हो रही है। और अभी रिकी के यहाँ से हल्दी आई, जो हल्दी काजल को लगेगी। तो चलिए हल्दी का फंक्शन इंजॉय करते हैं। ये डॉक्टर साहब, हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के दिन को पूरा एंजॉय करिएगा, क्योंकि हम लोग भी पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। महीनों से वेट करते रहे हैं इस पल का, और वो दिन आज आ गया है। तो यहाँ पे जा रहा है मिट्टी खनने मधुर। तो यहाँ पर सीढ़ी से उतरकर हम लोग जा रहे हैं होटल के, थोड़ा सा 2-3 कदम चल के जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ माटी कोड़ने की जो रस्म होती है वो किया जाएगा। तो आगे जो गया वो मेरा बेटा था, ढोलक बजाते हुए निकला है, और ये आगे नाउन और बाकी लेडीज़। तो यहाँ पर मम्मी और बुआ को ये रस्म करना होता है, तो मम्मी जो है रस्म शुरू कर चुकी है। फिर हवा इतनी तेज़ थी कि मम्मी से अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी, बट कितने प्रयास के बाद मैंने बोला लाओ मम्मी मैं जला देती हूँ, तो किसी तरीके से अगरबत्ती तो जल गई। अब बारी थी उसे खोसने की, तो ज़मीन इतना ज़्यादा वो था कि उसमें घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि मिट्टी नहीं थी वहाँ पे। फिर उसको भी मैंने किसी तरीके से उसमें होल्ड कर दिया। उसके बाद मम्मी ने सिंदूर और जो है तेल अंदर में कुछ कर रही थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बुआ को मम्मी ने थोड़ा सा तेल, और जैसा कि आप देख रहे हैं तेल लगाया, और फिर उसके बाद नाक से लेके मांग तक सिंदूर को अच्छे से टीका। और फिर जैसे मम्मी ने तेल लगाया तो बुआ बोली नहीं 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 तेल मत लगाओ, क्योंकि मैंने बाल धुला। लेकिन हम लोग खूब मस्ती के तरह ले, ये तो बुआ का रसम होता है तो बुआ को तेल कैसे ना लगे। फिर इसी तरीके से बुआ ने मम्मी को नाक से लेके मांग तक टीका।
उसके बाद का जो रस्म था वो था कि बुआ के पीठ पे 5 बार इस तरीके से तेल से और फिर सिंदूर से टीकना था, या तो कुछ लेडीज़ जो होती हैं 5 उंगलियों के साथ ऐसे थप्पा मार देती हैं, कुछ थोड़ा बहुत लगा देती हैं, क्योंकि फंक्शन सारे इंजॉय करने थे इसलिए फिर बुआ को बहुत ज़्यादा नहीं वो लगाया गया। फिर मम्मी ने बुआ को नेक दिया और फिर कहा कि माटी कोड़ने की रस्म आप शुरू करें, तो फिर वो रस्म बुआ ने शुरू किया। तो ये देखिए बुआ माटी कोड़ रही है और ऐसे ही 5 पत्तल में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही निकाल के रखेगी, तो ये यहाँ पे बुआ का रस्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ा बहुत डांस करने के लिए, तो बुआ का रस्म होने को है। और इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा निकालते, कुछ लोग बहुत थोड़ा थोड़ा, तो बुआ ने थोड़ा थोड़ा ही निकाला था। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने जो है पारी थी कि अंदर ऐसे तो नहीं जाएंगे, डांस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ढोल वाले ही नहीं आए थे। तो अब ये हुआ कि डांस कैसे किया जाए, तो चलो अपने मन का ही खूब डांस कर लेते। तो यहाँ पे हम और दीदी बिना साउंड, बिना म्यूज़िक, बिना किसी चीज़ का हम लोगों ने अपने ही मन से कहा लाओ थोड़ा बहुत रस्म है तो इसको भी निभाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस वांस किया, तो ये हुआ कि चलो दीदी कुछ सॉन्ग लगा दो। तो दीदी के मोबाइल में इतना स्लो आवाज़ था कि म्यूज़िक कान तक ही नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, जो आता है थोड़ा बहुत नाच लो, उसके बाद चलते अंदर, क्योंकि अंदर में बहुत सारे रस्म करने हैं होटल के अंदर। तो यहाँ पे खड़े हैं काजल के तीनों जीजा और मामा। यहाँ पे काजल आ चुकी है हल्दी की रस्म के लिए। तो इसके बाद सबसे पहले काजल को हल्दी पंडित जी ने लगाना शुरू किया, और पंडित जी को ये रस्म नहीं पता था। उन्होंने बोला कि हमारे तरफ ऐसा नहीं होता है, लेकिन बनारस में क्या होता है कि जो हल्दी का रस्म होता है वो पंडित जी के थ्रू ही सबसे पहले शुरू होता है, उसके बाद परिवार के सारे लोग लगाते हैं। तो पंडित जी के बाद मेरे बड़े जीजा जी ने काजल को हल्दी लगाई, उसके बाद काजल के छोटे जीजा जी ने उसको हल्दी लगाई, और पता नहीं कौन सी बातें थी इन लोगों के बीच में, लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देख के। तो डॉक्टर साहब के रस्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी बहन को हल्दी लगाने के लिए। तो मैंने हल्दी लगाई और उसके बाद फ़ोटोशूट कराया। फ़ोटोशूट कराने के बाद फिर मेरी बड़ी दीदी आई जिन्होंने काजल को हल्दी लगाई। तो बड़ी दीदी बस आने ही वाली है, 1 2 3। तो ये आगे मेरी बड़ी दीदी। तो फिर बड़ी दीदी ने काजल को हल्दी लगाई, उसके बाद जो है मेरी बाकी बहनों ने हल्दी लगाई। ये गुड़िया दीदी है जिनसे मैंने आपको मिलवाया है। उसके बाद एक और बहन आई, ओहो ये इनसे मिली है, ये है किरण दी। और फिर उसके बाद मेरी बहन आई। तो ऐसे ही हल्दी ख़त्म हुआ, उसके बाद पापा मम्मी पूजा पर बैठ गए और उन्होंने पूजा सरप्राइज तो थी। सो चलिए मैं मिलवाती हूँ। सब लोगों का पहला कमेंट रहता है किरण दीदी कहाँ है, किरण दीदी कहाँ है। तो किरण दीदी आ गई है, पहुंच गई हूँ मैं हल्दी के फंक्शन में। फैजाबाद आ गई, सुबह आ गई थी। हाँ मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इधर उधर थी ना, तो मैं इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ, बट जो भी हो पा रहा है मुझसे मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा हो गई अभी, चल रहा है हल्दी का फंक्शन। अब दीदी जा रही है हल्दी लगाने, मैंने लगा दिया इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब बारी आ गई है कोहरा की पत्री पर लड़कियों को बैठाने की, तो वो शुरू हो गया है। और ये जो खाना खिला रही हैं वो है, सॉरी जो खाना परोस रही थी वो मेरी मामी है। अब ये कोहरा की पत्री को उतारा जा रहा है काजल से, और जो उसके बगल में बात करी उस पर चढ़ाया जा रहा है। तो ये पूछा जाता है जिस पर चढ़ाया जाता है कि चढ़ा, तो बोलती है हाँ। काजल से बोला गया उतरा, तो कहेगी हाँ। इसका मतलब ये है कि काजल की शादी के बाद अब सिमी की शादी की बारी है। तो ये रसम तो हर किसी में ही होता है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए गाइस सॉरी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे घर का ये फंक्शन भी हो रहा है, और इसमें सब बहुत बहुत मुस्कुरा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे।
फिर यहाँ पर भी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी। जब माँ बाप रोते हैं ना तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता उनको देखकर, तो बस हम और दीदी भी इमोशनल हो गए। और काजल को देख के इतना रोना आ रहा था मुझे, मन ही नहीं कर रहा था कि अपनी बहन की शादी कराऊँ, वो मेरे पास से चली जाएगी, इसका दुख मुझे। तो हम लोगों ने अभी एक रस्म किया, उसके बाद वापस आ रहे हैं। काजल जी आपको दिखेगी, आप फ्री हैं, अब हम लोग फ्री हैं, अब नहाएगी लड़की, अब लड़की नहाएगी, फिर तैयार होने के लिए पार्लर जाएगी। सो गाइस, अब जा रही काजल नहाने के बाद वो मिलेगी पार्लर में, पार्लर के बाद वो आपको मिलेगी वापस हॉल में।